अगली बड़ी खबर भिंड से मिल रही है, जहां पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की अब बीजेपी में वापसी होगी। कुशवाहा बीजेपी की सदस्यता लेंगे, भिंड के लिए वो रवाना हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें 2018 में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए थे पूर्व विधायक, और इस वक्त ये बड़ी खबर भिंड से मिल रही है, जहां पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो 2018 में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए थे, वो दोबारा उनकी घर वापसी होगी, बीजेपी की वो सदस्यता लेने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में, और इसके लिए वो भिंड के लिए रवाना हो गए हैं। तो इस वक्त ये खबर भिंड से है, जहां पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा घर वापसी के उनके संकेत मिले हैं, और वो वापस बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। 2018 में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें ग्वालियर में 3 दिवसीय सदस्यता अभियान का आगाज किया है बीजेपी में, और बीजेपी की माने तो तकरीबन 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। आने वाले उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी के लिए एक सकारात्मक खबर के रूप में इसे देखा जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता नीतू। नीतू, जिस तरह से अब घर वापसी होगी पूर्व विधायक की, बीजेपी की वापस सदस्यता लेंगे नरेंद्र सिंह कुशवाहा, ये तो बीजेपी के लिए बड़ी राहत भरी खबर कही जा सकती है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा साफ तौर पर, जो नरेंद्र सिंह जो कुशवाहा है, जो पूर्व विधायक भाजपा से रह चुके हैं, जिनके द्वारा आज ग्वालियर में सिंधिया जी और अन्य वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान के समक्ष जो है सदस्यता हासिल कर ली, सदस्यता बीजेपी की ले ली गई है। और मैं आपको यही बता दूं, ये नरेंद्र सिंह जो कुशवाहा है, वो 2 बार विधानसभा चुनाव को लेकर भागी भी हो चुके हैं, और उन्होंने समाजवादी पार्टी से 2008 में चुनाव लड़ा था, और उसके बाद 18 में भी चुनाव लड़ा था, जिस वक्त चौधरी राकेश सिंह को बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था। जी, इसके अलावा भिंड में अब चूंकि ग्वालियर चंबल इलाके पर पूरी सभी पार्टियों का फोकस है, चाहे हम बसपा की बात कर लें, सपा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, मध्य प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा चंबल से ही होकर के निकलती है, और वहीं से दिशा तय होगी कि क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ और सरगर्मियां तेज होने के आसार नरेंद्र सिंह कुशवाहा की वापसी के बाद होने के दिखाई देते हैं नीतू? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बता दूं, ये सुबह से ही जब लोगों को भिंड में, जो नरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थक थे, जिन लोगों को जैसे ही पता चला कि आज नरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा भाजपा में सदस्यता पुनः घर वापसी की जाएगी, जिस बात को लेकर खुशी की लहर थी, वो कई जो समर्थक थे वो ग्वालियर भी पहुंचे सदस्यता के दौरान, और भिंड में भी उनके जो समर्थक है उनमें काफी खुशी की लहर है। और जैसे ही यानी कि कई समर्थक भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे नरेंद्र सिंह कुशवाहा की घर वापसी के साथ। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सदस्यता भी लेंगे, और लोगों में जो खुशी की लहर है, और उनके आगमन के बाद लोग शायद उनके मिठाई और उनका स्वागत भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नीतू इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, और जो आंकड़े अभी तक बीजेपी ने बताए थे, 40,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, तो उसमें और भी इजाफा होने की जरूरत है दिखाई देती है, और अब बीजेपी में शामिल होते ही विधायक के समर्थक भी उससे जुड़ेंगे, और ये आंकड़ा और भी आगे जा सकता है।